हरे कृष्णा। सो वन ऑफ द लास्ट वर्सेस और प्रैक्टिकली द लास्ट वर्सेस इन विच कृष्णा टेल्स अबाउट हिज फिजिकल ऑपुलेंसेस, द 10th चैप्टर ऑफ भगवद्गीता टेक्स्ट 39 वी हैव कृष्णा सेइंग टू अर्जुना, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। फर्दर मोर ओ अर्जुना, आई एम द जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंसेस, देयर इज नो बीइंग मूविंग और नॉन मूविंग दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट मी। तो जो भी है अर्जुन आपको दिख रहा है, जो कुछ भी चलायमान है, जो कुछ भी गतिमान है, जो कुछ भी आज अस्तित्व में है, वो केवल मेरे ही कारण अस्तित्व में है। मुझे छोड़ करके अस्तित्व का और कोई भी कारण है ही नहीं। सो कृष्णा इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। भगवान कहीं भी एम्बिग्यूटी न लेते हैं न देते हैं। भगवद्गीता शास्त्र इनकी एक ये खासियत है कि देर इज नो ड्यूप्लिसिटी, देर इज नो एम्बिग्यूटी। जो है वो एक घाव में दो टुकड़े। भगवान कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन। बीज यानी जनरेटिंग प्रिंसिपल। तो चाहे इस भौतिक जगत में कुछ अच्छा दिख रहा हो या बुरा दिख रहा हो, उस सब का स्रोत मैं हूं। और अच्छाई और बुराई का मापदंड ये भौतिक अस्तित्व है। आध्यात्मिक रूप से कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। हमने देखा है भगवान माखन चोरी करते हैं। अब चोर को यूजुअली दंड दिया जाता है, लेकिन भगवान जब माखन चोरी करते हैं तो उन्हें माखन चोर की संज्ञा से उन्हें गौरवान्वित किया जाता है। अगर कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि में जाएगा और पीठ दिखा करके भाग जाएगा, उसको भी लोग ताने मारेंगे। लेकिन यहां पर भगवान काल यवन के साथ में रण छोड़कर भाग गए, तो उन्हें रण छोड़ राय कहा गया है। सो भगवान ये सारी चीजों के स्वामी हैं। और भगवान ये बताते हुए ही डज नॉट शाय इन हिज वर्ड्स, न तद अस्ति विना मया यत् स्यात्, जो कुछ भी है जीवात्माओं में चर और अचर, चर मीन्स मूविंग, अचर नॉन मूविंग, यस, एंड भूतम, भूतम मीन्स जीवात्मा। सो हम देखते हैं प्रकृति में दो तत्व हैं, यस, एक तो फिजिकल, एक है स्पिरिचुअल। सो प्रकृति के फिजिकल चीजें क्या हैं? भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। हम देखते हैं कि भगवद्गीता के सप्तम अध्याय के चतुर्थ श्लोक में हमने देखा है द 8 स्थूल चीजें या भौतिक चीजें, भूमि अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, और इसके आगे 7.5 अपर्ययम इदम स्तुवन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो येदम धारियते जगत। तो चर अचर अर्थात जो 7.4 में कहा गया है, और भूत यानी 7.5। सो द बेसिक जनरेटिंग प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग दैट इज मूविंग और नॉन मूविंग, भगवान कहते हैं सब कुछ मुझसे आ रहा है। सारी चीजों का स्रोत मूलभूत अस्तित्व मैं हूं। कितना महत्वपूर्ण है कि हम भगवान को इस सापेक्ष रूप में जाने और उनकी भक्ति में सेवा में संलग्न हो, है कि नहीं? हम देखते हैं भगवान हमारे पीछे ऐसे ही खड़े हैं जैसे मेरे पीछे यहां पे ये दो पेड़ हैं। सो जीव को लगता है कि वो अकेला है, उसके पीछे कौन है? वो इस भौतिक जगत में केवल दुख थपेड़े भोग सब जी रहा है, और भगवान को उससे क्या लेना देना है? नहीं, भगवान हमेशा जीव के पीछे हैं, ऑलवेज रेडी टू गिव एवरीथिंग। महाराष्ट्र में एक बहुत महान संत होकर के गए समर्थ रामदास।
वे उनकी एक बहुत ही सुंदर श्लोकों की श्रृंखला है जिसमें वो अपने मन को उपदेश देते हैं। सो उसे कहते हैं मनाचे श्लोक। तो उस मनाचे श्लोक में समर्थ रामदास कहते हैं, सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे, कृपाणुपणे अल्प धारिष्ट पाहे, कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे थोड़े से धैर्य की वो परीक्षा लेते रहते हैं। तो एक जीव को कभी नहीं समझना चाहिए कि वो अकेला है। अगर उसने भगवान पर अपना आश्रय, भगवान को अपना आश्रय दे दिया है और उनके दिए हुए नियामक तत्वों के अनुसार वो कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से भगवान उसके पीछे हैं, 110% है। यस, जरूरत है उसे जानने की, पहचानने की, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की। इसीलिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अरे बोल, हैप्पी बर्थडे कृष्णा स्मरण टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑल फॉर कंप्लीटिंग दिस कोर्स ऑफ 1 year। इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी। थैंक यू सो सो मच फॉर कमिंग अप विद ऑल द भगवद गीता श्लोकास एवरी डे, एक्सप्लेनिंग इट सो वेल, सो ब्यूटिफुली। Had it not been for Shyam Rasik Prabhu, I would not have understood Bhagavad Gita so well. So thank you so very much, and the entire Krishna Smaran team, we recognize your efforts, your pains that you take to go to different locations and shoot it so beautifully. Thank you so, so much for conceptualizing this idea, for coming up with it, and for enlightening us so well. This is all as a viewer. And as your sister Daddu, you absolutely rock. Me, Pratik, I, Papa, we are always proud of you and love you. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,